الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري وجسر لي يمري واخل لقدة من لساني جفق وقولي لقد كان في رسول الله أسوة حسنة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين <سؤال> امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى علي محمد كما صليت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى علي محمد كما باركت على ابراهيم وعلى علي ابراهيم انك حميد مجيد عشيره الرسول صلى الله عليه وسلم كي سلسله من كلاس نمبر चौदह यानी क्लास नंबर जो फोर्टीन है वो शुरू हो रही है पिछली क्लास में आ, सेकंड हिजरत अफशा पर बात हुई थी यानी मुसलमान एक गलत फहमी की बना पर वापस आ गए तो मक्का वाले उसी तरह तंग कर रहे थे तो इस बार उससे भी ज्यादा लोग जो है सेकंड हिजरत जो है हफशा की तरफ हिजरत करते हैं लेकिन इसके दौरान एक खास वाक्य हुआ था उसमें दो लोग इस्लाम लाए थे और वो दो लोग जो थे इस्लाम में मजबूत सतून की तरह यानी उन्होंने एक मजबूत स्तून की तरह वो यानी शामिल हुए तो इनमें जो दो लोग थे वो थे एक आपके चाचा हजरत हमजा रजियाल तहु और दूसरे जो थे वो हजरत उमर इब्न फारूक रजियाल तनु तो अब ऐसा है कि बाज मुहद की मजबूत राय है कि उमर अनु और हजरत हमजा रजी अनु दो नबी को इस्लाम लाए थे लेकिन सीरा की किताब में जिक्र पांच नबी को भी मिलता है जबकि सेकेंड फर्स्ट इजरत अफशा के बाद जब मुसलमान आते हैं तो दूसरी इजरत अफशा होने के यानी उस उस सिलसिले में रवायात मिलती हैं कि हुए थे और इससे भी पता चलता है कि जब हजरत उमर इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने तो मुसलमानों को एक मजबूत सपोर्ट मिल गई थी एक सहारा मिल गया था वो जो चोरी छुपे नमाजें पढ़ी जाती थी वो हरम में आके खुला खुलम पढ़ते थे तो इससे ये भी प्रूफ मिलता है कि अगर हजरत उम्र दो नब्बे में मुसलमान हो गए होते तो मुसलमानों को जे अक्षय की तरफ हिजरत ना करनी पड़ती तो हम देखते हैं कि हजरत हमजा आपके चाचा भी थे लेकिन आप सलम के इनके साथ और भी बहुत सारे रिश्ते थे जैसे एक तो आपके चाचा थे दूसरा ये आपके रदाई भाई थे यानी दो शरीक भाई भी थे फिर तीसरा रिश्ता ये था कि हजरत हमजा की जो वालदा थी हाला और रसूल रसुलसलम की जो वालदा थी आमना ये आपस में जात बहने थी इस तरह से आप दोनों कजन भी थे यानी खालाजाद भी हुए फिर दोनों की जो उम्र थी वो भी करीब करीब थी ऑलमोस्ट यानी एज फेलो थे तो सारी चीजों की वजह से हजरत हमजा का जो था रसूल सलम से बहुत ताल्लुक था जब इस्लाम की आवाज उठी तो हजरत हमजा रजी तु ने कोई खास तवज्जो ना दी क्योंकि ये शिकारी मिजाज के इंसान थे मन मोजी से अपनी ही दुनिया में रहते थे इसलिए इनका नाम उनमें नहीं आता जिन्होंने शिद्दत से इस्लाम की मुखालफत की हो या आपको तकलीफ दी हो या किसी सहाबा सहाबाकर में से किसी को तकलीफ दी हो ऐसा हुआ कि एक दिन अबू चाहल जो है कोय सफा की तरफ जा रहा था वहां वसल्लम उसको नजर आए अब देखिये कोए सफा कोए मरवा जाए तो अः तो, 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 मरवा में जब आप सही करके बाहर निकलते हैं ना तो लेफ्ट साइड पे ये वॉशरूम्स बने हुए हैं टॉयलेट्स तो कहते हैं वो अबू चाहल का घर था तो ये यानी इसके अपना ही ये मोहल्ला नजर आ रहा है कोई सफा की तरफ जा रहा था यानी ये मरवा से सफा की तरफ जा रहा था तो वहां पर इसको रसुल्स नजर आए इन्होंने हसब आदत खूब बुरा भला कहा गालियां भी दी पत्थर भी मारे और रसूल सबर के साथ बर्दाश्त करते रहे वही पे करीब अब्दुल्ला इब्न जुदान का घर था अब्दुल्ला वो देख रही थी कि किस तरह अबू जहल ने की, की और किस तरह उन पे पथराव किया तो किस तरह सल्लम को इसकी शदीद तकलीफ पहुंची तो कहते हैं कि उसी वक्त हजरत हमजा जो है ना घोड़े पर अपना शिकार करके वापस आ रहे थे तो अब्दुल्ला बिन जुदान की लोंडी जो थी ना जिसने अपनी आंखों से देखा था वो जो है वो हजरत हमजा के पास चली गई और उन्हें कहती है कि तुम तो शिकार पर हो लेकिन तुम्हारे भतीजे की तो अबू जाल ने आज इस तरह इतनी बुरी तोहिन की है तो इसको सुनकर हजरत हमजा जो है ना अल्लाह तु वो भड़क उठे पूछा कि वो अबू जाल किधर गया है तो उसने कहा कि वो बेतुल्ला की तरफ गए हैं तो ये सीधे बैतूला जाते हैं जहां पर सारे सरदार बैठे हुए इनकी तो महफिलें लगती थी गपशप होती थी तो वहां जाकर सख्त लहजे में अबू जाल को पुकारा और शिकार का जो उनका नेजा था ना उसकी लकड़ी का सिरा जो है ना वो अबू जाल के सर पर जोर से मारा जिससे उसका सर खुल गया और उसे साथ कहा कि आज तुमने मेरे भतीजे को क्या कहा है आ, मेरे भतीजे को तुमने इस तरह तंग किया है और अबू जहाल को प्रेशराइज किया और जोर देने के लिए उसको मजीद कहने लगे कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं भी उसी के दीन पर हूं यानी मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो ये इस इसलिए बता रहे थे कि उसको अंदाजा हो कि मेरा भतीजा जो है वो लावारिस नहीं है तो अबू जाहल को तो अपना जख्म भूल गया इस बात से उसके तो हाथों के तोते उड़ गए कि हमजा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है सारे सरदारों में हलचल मच गई अबू जहल जो है वो बनो खजोम खुजौ, से था तो उसके कबीले के लोग खड़े हो गए क्योंकि अबू जहल के सर को काफी शदीद चोट लगी हुई थी लड़ाई के लिए और इधर जो है आश्रम कबीले के लोग क्योंकि हमजा का कबीला था तो वो इकट्ठे हो गए तो अमूमन कबाली जिंदगी में तो ऐसा ही होता है कि खानदान जो है बैकअप करता है अबू जाल जो है अपने बंदों से कहता है कि आज वाकई मैंने इसके भतीजे को बुरा भला कहा था इसने अपना बदला ले लिया है ना तो फिर साथ ही वो कहते हैं कि जो तुमने कहा कि भतीजे के दिन पर हो तो वाकई ही तुम दीन पर हो या तुम गुस्से से कह रहे हो तो उसने कहा कि नहीं मैं वाकता हकीकता मैं अपने भतीजे के दीन पर हूं तो इसके बाद सीरत नगारों की मुख्तलिफ राय है एक राय यह है कि इसके बाद आप चचा हमजा जो है रजियाल तुम सीधे अपने भतीजे वसल्लम के पास चले गए दूसरी रवायत में आता है कि ये जाकर सोचते रहे कि मैंने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है सिर्फ एक बात पर मैं तो अबू जाल से वैसे भी निमट सकता था मैंने अपने यानी मैं अपने बाप दादा के दीन रहते हुए भी अबू जाल को मार सकता था उसको मैं उससे लड़ाई कर सकता था मुझे तो ये कहने की नहीं है तो कहते हैं कि दोबारा ये खाना काबा गए हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की कि अगर मेरे भतीजे का दिन सही है तो मेरा दिल इसके लिए अल्लाह ताला खोल दे और अगर मेरे बाप दादा का दीन सही है तो मुझे उसी पर कायम रख ये कहकर वो रसुल्लासलम के पास आए और आकर कहते हैं कि भतीजे मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है आप स्वारे स्वारे ने फरमाया, मैं इस बात पर खुश नहीं हूं। मेरी तो आपनेदलाया आप आपने कलमा पढ़ा है आपने उनको बताया मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हुई है तो इनका कबूल इस्लाम रसोसम के लिए गैर मामूली तकवीत का बायस बना फिर तीन दिन के बाद उमर फारूक रजी तलह ईमान लाते हैं हजरत हमजा के इस्लाम लाने के तीन ही दिन बाद हजरत उमर भी मुसलमान हो गए। वो इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के खिलाफ बहुत ही सख्त गिर थे एक रात रसूलुल्लाह खाना काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे अजत उमर ने छुप कर चंद आयतें सुन ली इनके दिल में आया कि ये हक है लेकिन अपनी दुश्मनी दुश्मनी पर कायम रहे एक हत्या का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई उस आदमी का नाम नईम आता है तो उसने पूछा कि उमर कहाँ का इरादा है नईम बिन मसऊद आता है नाम वो बोले मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ ना इसने कहा मोहम्मद सल्म को कतल करके बनो आशम और बनु जोरा से तुम कैसे बच सकोगे कबाली जिंदगी में तो बदले होते हैं पूरी खाना जंगियाँ लग जाती है हजरत उमर रजी रजीला ने कहा मालूम होता है कि तुम भी बेदीन हो चुके हो इसने कहा उमर हैरत की बात ना बताऊं तुम्हारी बहन भेन और बिनोई भी तुम्हारा दीन छोड़ चुके हैं यह सुनकर हजरत उमर ने गुस्से में भरे हुए सीधे अपनी बहन भेन और बिनोई के घर का रुख किया वहां पर हवा बिन अर्थ सूरत पर मुश्तमिल एक सहीफा पढ़ा रहे थे हजरत उमर रजील की आठ सुनी तो वो घर के अंदर छुप गए और उनकी बहन ने वो सहीफा जो है छुपा दिया लिखी थी अंदर पहुंचे तो पूछा कि ये कैसी बन बनाहट थी जो मैंने तुम लोगों के पास सुनी उन्होंने कहा कुछ भी नहीं बस हम तो आपस में बातें कर रहे थे अजत उमर ने कहा गालबन तुम दोनों भी बेदीन हो चुके हो बिनोई ने कहा अच्छा उम्र ये बताओ अगर हक तुम्हारे दीन के मां सवाओ यानी जो हमारा पुराना दीन था वो हक ना उसके अलावा कोई और हक हो तो इतना सुनना था कि हजरत उमर अपने बिनोई पर चढ़ बैठे और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया बहन ने लपक कर इन्हें अपने शोर से अलग किया तो बहन को ऐसा चांटा मारा कि उनका चेहरा खून आलूद हो गया बहन ने जोश गजल में कहा उमर अगर हक हाँ तेरे दीन के मासवा हो तो वही सवाल दो जो उसके हस्बैंड ने किया था वही उसको कहती हो तो तो, तो इला इला मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है इस पर हजरत उमर रजी तहु को मायूसी और नदामत हुई उन्हें शर्म आई उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो किताब है जरा मुझे भी दो मैं पढ़ू क्योंकि ये औरतों पर कम उठाते थे तो उनको हुआ कि मैंने बहन पे हाथ उठाया औरत पे औरत को नाजुक होती उसको मारा तो बहन को पूछते है ना कि तुम्हारे पास जो किताब है तो मुझे दिखाओ तो बहन ने कहा कि तुम नापाक हो इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं उठो ग करो उन्होंने उठकर गुसल किया फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम पढ़ी कहने लगे ये तो बड़ा पाकिजा नाम है इसके बाद सुरताहा का था इन इन्नानी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अनफा बुदनी वाकम सलात अल तक करात की जानी उन्होंने इसकी तलावत की कहने लगे ये तो बड़ा उमदा और बड़ा कलाम है, है मुझे रसुल उम्मीद है कि रसुल्ला ने जुमरात की रात तुम्हारे मु दुआ की थी के अल्लाह उमर बिन खताब या अबू जाल बिन शाम में से जो तेरा महबूब हो इसके जरिए इस्लाम को कुत पहुंचा ये सलम की दुआ थी इसलिए अजरत उमर को मुराद रसूल भी कहा जाता है कि अल्लाह की जो मुराद थी अल्लाह ताला ने वो पूरी की थी दोनों के लिए दुआ की थी जो यानी अल्लाह तुझे महबूब है तो अल्लाह को उमर रजी अल्लाह रे तो ये वही थे और आप फिर देखेंगे कि बाद में कुरान में जो आयात आती थी जो उम्र कहते थे वही नाजिल होती थी मुकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना लो औरतों के पर्दों के लिए बदर के जो कैदी थे उनको क्या सजा दी जाए तो जो उमर कहता था कुरान में वही हुक्म आते थे और रसूल फरमाते थे अगर मेरे बाद बात होती कोई नबी होता तो वो उमर होता फिर ऐसा है कि उन्होंने बतलाया कि इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पास दारुल दारकम में है अब ये दारुल दारकम जो है इस वक्त ये बेतुल्ला के अंदर आ चुका है अब इतना उन्होंने इसको एक्सटेंड किया ना तो ये बड़ा हो के तो अब ये मुताफ कहते मुताफ के अंदर आया हुआ है तो उमर रजी तक के पास आए और दरवाजे को दस्तक दी एक आदमी ने दरवाजे से जाका तो देखा कि उमर तलवार जो है ना अपने हाइल की हुई मौजूद है तो लपक कर रसूल रसुल्लासम को इतला दी और सारे लोग ना सिमट कर यक हो गए तो हमजा रजी अल्लाह उन, तू तो तीन दिन पहले इस्लाम लाए हुए थे तो उन्होंने कहा कि क्या बात है लोगों ने कहा उमर है हजरत हमजा ने कहा बस उम्र दरवाजा खोल दो अगर वो खैर की नीयत से आया तो हम इसे खैर अता करेंगे अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो इसी की तलवार से इसका काम तमाम कर देंगे शिकारी थे बहादुर थे इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे आप पर वही नाजल हो रही थी वही नाजुल हो चुकी थी अंदर से बैठक में तशरीफ लाए जाने जिधर वो उनका जो लिविंग एरिया था और तलवार के परतले समेत हजरत उमर का कपड़ा पकड़कर सख्ती से झटकते हुए फरमाया उमर क्या तुम इस वक्त तक बाज नहीं आओगे जब तक ताला तुम पर वैसी इज़्ज़त और, और इबरतनाक सजा नाजिल ना फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है या ये उमर बिन खिताब है या इस उमर बिन खिताब के जरिए इस्लाम को इज्जत और कुत अता फरमा हजरत उमर क्या कहते हैं कहते हैं अशद कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं वसल्लम इस पर घर के अंदर मौजूद साहबा इक्राम ने इस जोर से तकबीर कही कि मस्जिद हराम वालों को भी सुनाई दी अब वैसा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला हो तो मुसलमान हो जाते हैं लेकिन इनके इस्लाम लाने पर जो मक्का के मशरिकिन थे उनका रिएक्शन क्या था رد عمل क्या था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन हो बहुत ज्यादा आपको पता जोर वाले थे ताकत वाले थे कोई इनका रुख नहीं करता था चुनाचे जब वो मुसलमान हुए तो कुरेश का जो आदमी रसूल की तो दुश्मनी में दुश्मनी में अदावत में और तकलीफे देने में ईजा रसानी में सबसे ज्यादा शदीद था कौन था वो अबू जाल था ना आज क्लास के शुरू में भी हमने पढ़ा तो अबू जाल के अजत उमर सीधे उनके पास जाते हैं उसके दरवाजे पे दस्तक देते हैं वो बाहर आया तो देखकर बोला आहलन साहलन कि के खुश आमदेद कैसे आना हुआ तो अजरत उमर बोले मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बताऊं कि मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ ये सुनते ही इसने अजरत उमर के रुख पर दरवाजा बंद कर लिया और कहा अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है इसका भी बुरा करे इसके बाद हजरत उमर अपने मामू आसी बिन आशम के घर गए उसे बतलाया तो वो भी घर के अंदर घुस गए इसके बाद जमील बिन मामर जमीही जमीही के पास गए अब ये शख्स कौन था ये शख्स किसी बात का ढोल पीटने में पूरे कुरेश के अंदर सबसे मुमताज था जैसे आप समझे गाँव में होता है ना कि कोई बंदा होता है वो पेट का जुबान का हल्का होता है कोई रास की बात बताओ तो वो नहीं रख सकता उसकी आदत होती है कि वो महल्ले में घर घर जाके ना वो खबर मशहूर कर देता है जैसे पंजाबी में कहते हैं नाइया सोना तेघ्राइया सोना उसी तरह तो जब अजरत उमर रजील तआला ने उसे बताया तो के मैं मुसलमान हो गया तो इसने बुलंद आवाज से चीख कर कहा खताब का बेटा बेदीन हो गया है अजरत उमर ने कहा ये झूठ कहता है मैं मुसलमान हो गया हूँ बहरहाल ये सुनकर लोग इन पर टूट पड़े अब हजरत उम्र रजियाल्लान लोगों को मार रहे थे और लोग हजरत उमर रजी अल्लाह तला को मार रहे थे जहाँ तक के सूरज सरों पर आ गया और हजरत उमर थक कर बैठ गए इसके बाद जब घर वापस हुए तो मुश्रकी ने इस इरादे से इकट्ठे होकर इनके घर का रुख किया कि इन्हें जान से मार डाले इनका एक पूरा समझे ग्रुप एक रेला जो था इतना जबरदस्त था कि उससे पूरी वादी बे उठे इसी असना में आस बिन वाल सहमी आ गया बनुसा मजदूत उमर के कबीले बनु अदी का हलीफ थे ये कबाले आपस आपस में जब एक दूसरे के हलीफ बनते हैं तो ये मुश्किल में, जंगों में एक दूसरे की जाने बचाते हैं तो वो जो था वो धारीदार यमनी चादर का जोड़ा और रेशमी गोटे से अरास्ता कुर्ता जेबतन किए हुए था इसने पूछा क्या बात है अजत उमर ने कहा मैं मुसलमान हो गया हूं इसलिए आपकी कौम मुझे कत्ल करना चाहती है आस ने कहा मुमकिन नहीं है इसके बाद वो बाहर निकला देखा कि लोगों का जो इतना बड़ा वो रेला आया इतना था कि उससे कह रहे पूरी वादी वादी बे उठे तो पूछा कि कहाँ का इरादा है लोगों ने कहा कि जी खताब का बेटा बेदीन हो गया है तो आस ने कहा इसकी तरफ से कोई राह नहीं यानी तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये सुनते ही लोग वापस चले गए वहां जब किसी की पुष्पना ही हासिल हो किसी के अहलीफ बने हुए हो और वो आके आगे खड़ा हो जाए तो उसमें इसका बड़ा लिहाज रखा जाता था फिर ऐसा है कि अजत उमर के इस्लाम से ए, इस्लाम और मुसलमानों को जो इज्जत मिली तकवीत मिली जो शान शोकत मिली वो तो हम बाद में भी देखते हैं जब आपकी खिलाफत का जमाना था तो ट्वेंटी टू लाख मरबा मील पे अजरत उम्र की खिलाफत थी तो अब उस वक़्त मका के माहौल में क्या होता है जहां तक मुसलमानों का तहकत उमर के, के रजियाल त इसके इस्लाम लाने से उन्होंने बड़ी इज्जत और कुत महसूस की इससे पहले मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे वो मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा ए अल्लाह के खा हाँ मुर्दा है आपने फरमाया क्यों नहीं उन्होंने कहा फिर छुपना कैसा इस जात की कसम जिसने आपको हक हाँ के साथ भेजा है हम जरूर बाहर निकलेंगे चुनाचे मुसलमान वसल्लम को हमरा लेकर दो सफों में दो लाइनों में दो कतारों में निकले एक में हजरत हमजा और एक में हजरत उमर रजियाल तुम थे इनके चलने से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा था यहां तक मस्जिद हराम में जा दाखिल हुए क्रोएश ने देखा तो इनके दिलों पर ऐसी चोट लगी जो अब तक उनको नहीं लगी थी इसी वजह से हजरत उमर का जो लकब था वो फारूक पड़ गया यानी फर्क करने वाला हजरत इब्ने मसूद का बयान है कि जब से उमर ने इस्लाम को कबूल किया हम बराबर ताकतवर और बाजत रहे उन्होंने ये भी फरमाया कि हम खाना के पास नमाज पढ़ने पर कादर ना थे यानी हमको कोई पढ़ने ना देता था जहां तक हजरत उमर रजी अल्लाह तला ने इस्लाम कबूल किया hmm. तो अब अगली क्लास में हम जो सेकेंड हजरत अफशा होती है और वहां पर जो मक्का वाले अपने बंदे भेजते हैं नजाशिक यहाँ उनका जो डायलॉग होंगे उसके बारे में बात करेंगे तो इनशाला अगली क्लास में मुलाकात होगी रबना तकबल मिनना इन्ना का अंत समी व तो बलना इन्ना का अंत तवाबरहीम सुबहाना कल्ला हुमा भी हम दिखा न अंता नस्ता फिर का